बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अगर आप लोगों को ऑनलाइन वालों अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अगर आवाज क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए सब लोग। मैं फिर पढ़ाना शुरू करूँ। सर, जी जो टेस्ट दिया है एक बार काइंडली डिस्कस करना है आपने क्लास में। बिल्कुल करना है, मेरे प्लान में है। ये टेस्ट बड़ा टेस्ट था और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओवरऑल कितने लोगों ने टेस्ट दिया प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिस चीज ने टेस्ट दिया है। शाबाश। सर, जबरदस्त, काफी बच्चों ने इसका मतलब है दिया जनाब, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉसेस, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट, एग्जेम्पशंस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, ये बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें ये चीजें चार, लॉसेस, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट और एग्जेम्पशंस। ठीक है, ये चार चीजें हमारी चैप्टर नंबर 11 में फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट और आज का टारगेट बेसिकली है लॉसेस। बड़े मौकों पर लॉसेस आया और मैंने बहुत से मौकों पे आपको पढ़ाया और बहुत से मौकों पर ये कहा कि ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। सर, आज हमने बड़ी डिटेल में आपको टाइम दिया कि आप पढ़ें, अच्छे से तैयार करें और सारा एरिया कवर करें। अच्छा, अब जो आपका टारगेट है लॉसेस के वजह से, कोई भी जहन अब आपके जहन अब कोई भी सवाल आपके जहन में आए सब मोस्ट वेलकम, जरूर पूछिए। मैं एक बार लॉसेस कवर करवा। सर, लॉस क्या होता है? इनकम कम, डिडक्शन ज्यादा, ये लॉस आ गया। अगर डिडक्शन कम होती, इनकम ज्यादा होती तो गेन आता, प्रॉफिट आता। इनकम कम हो गई, डिडक्शन सॉरी डिडक्शन ज्यादा होगी तो क्या आएगा? लॉस आएगा सर जी। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो पहले एक नक्शा आपको बता देता हूं बना के। बस वो नक्शा आपको समझ आ गया तो बस गेम अब आपके हाथ में आ जाएगी। सर जी, सबसे पहले आ गया हम वन बाय वन हेड हेड ऑफ इनकम वाइज डिस्कस करने लगे लॉसेस। सबसे पहले आ गया सैलरी। मुझे बताएं कि सैलरी में लॉस आता है, आ सकता है? सर, सैलरी में डिडक्शन अलाउड नहीं होती, लॉस आ ही नहीं सकता। क्या सैलरी में लॉस आए तो सेट ऑफ होता है? मैंने कहा लॉस आ ही नहीं सकता तो सेट ऑफ की तो कोई तुक नहीं बनती। अच्छा, सैलरी में कोई लॉस आए तो कैरेट फॉरवर्ड हो सकता है? कैसे आदमी हो यार, सैलरी में लॉस आता ही नहीं है, कह तो दिया है ना लॉस आएगा, ना लॉस सेट ऑफ होगा, ना लॉस कैरेट फॉरवर्ड होगा। सैलरी की तो स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है? यस, प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है? जनाब सवाल लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, तो उसने कहा है कि प्रॉपर्टी का लॉस बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है। क्या कैरेट फॉरवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। सर अगली बात करते हैं कैपिटल गेन की। जी मैं एक बार ये कंप्लीट कर दूं, मैं आपकी हर बात का जवाब देने को तैयार, सिर्फ एक बार मुझे ये 5 पॉइंट्स कंप्लीट करने दो। सर जी कैपिटल गेन की बात करें तो हमने कहा था कैपिटल गेन में तीन होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है? यस। लॉस सेट ऑफ होता है? नो। लॉस कैरिड फॉरवर्ड होता है? नो। सिक्योरिटी में लॉस आ सकता है? यस। सेट ऑफ होता है? ओनली अगेंस्ट सिक्योरिटी, ओनली अगेंस्ट गेन ऑन सिक्योरिटी, और क्या? अच्छा जी, लॉस आ भी सकता है, सेट ऑफ भी हो सकता है, और कैरिड फॉरवर्ड। तीन सालों सर अदर्स में लॉस आ सकता है? यस। एडजस्टेबल होता है? किसके अगेंस्ट? ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन। और कैरेट फाउड हो सकता है कितने सालों के लिए? सर जी अब अगली बात करने लगा हूं बिजनेस की। स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, एक स्पेकुलेशन बिजनेस और एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। सर ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस है इसमें लॉस आ सकता है? ये सेट ऑफ हो सकता है किसके साथ? सर क्या ये कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है? 6 साल। सर नॉन स्पेकुलेशन की बात करने लगा हूं, क्या लॉस आ सकता है? एडजस्टेबल होता है? एडजस्टेबल अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम। सर नॉन स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस किसी भी बिजनेस के किसी भी हेड के गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है सिवाय सैलरी के, सिवाय सैलरी के। क्या इसका लॉस कैरेट डाउन हो सकता है, कैरेट फॉरवर्ड हो सकता है? द आंसर इज यस। कितने पैसे के लिए? 6 साल। सर अगला आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्या इसमें लॉस आ सकता है? यस। क्या इसका लॉस सेट ऑफ होगा? या आवाज क्लियर आ रही है? आवाज तो क्लियर है।
देखिएगा यार ये क्या मसला भाई, वो स्क्रीन नहीं ना चल रही, आपके पास स्क्रीन चल रही है, सिर्फ इस इधर मसला है, बाकी सब ठीक है। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर लॉस आ सकता है, यस। सेट ऑफ हो सकता है, यस। एडजस्टेबल होगा, अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। और क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैरेट फॉरवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। कर ले सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैरेट फॉरवर्ड हो सकता है। हो गया सर। वही हो गया, हो गया, हो गया, ना करो कुछ भी, ना करो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है? द आंसर इज यस, नहीं हो सकता, सॉरी, नो। सर दो तरह की इनकम और रह गई है, कहीं दिल में बात ना रह जाए, सारी बातें आप तक पहुंच जाए। एफटीआर इनकम में लॉस आ सकता है? सोचने वाली बात तो है ना, सर कितनी ज्यादा सोचने वाली बात है। एफटीआर इनकम में लॉस आ सकता है? सर जी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती, ऐसा सोची पै गए हो, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती तो लॉस किधर से आना है? ना लॉस आता है, ना कैश सेटअप होता है, ना कैसे। सर फॉरेन सोर्स इनकम, अगर फॉरेन सोर्स इनकम हो तो उस पर लॉस आ सकता है? यस लॉस आ सकता है, एडजस्टेबल अगेंस्ट फॉरेन सोर्स इनकम ओनली, एडजस्टेबल अगेंस्ट फॉरेन सोर्स इनकम ओनली, और ये कैरेट फॉरवर्ड भी हो सकता है 6 साल। मैंने आपको हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड सारी डिस्कशन लॉसेस के हवाले से बता दी, एक आखिरी बात दिल में रहेगी, चाहता हूं वो भी कर दो सर, उसकी वजह ये है कि कंफ्यूजन ना रह जाए। गौर से सुनना, सिक्योरिटी में लॉस आ गया है और अदर, ये अदर कैपिटल एसेट में गेन आ गया, तो क्या ये एडजस्ट होगा? यस और नो, नहीं एडजस्ट होगा, क्योंकि सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी में गेन आ गया है और अदर में लॉस आ गया है, तो क्या ये आपस में एडजस्ट होगा? द आंसर इज यस। वेबकैम बंद कर दिया है ताकि आप लोग शांति से ये ही देख सकें। सर जी स्पेकुलेशन में लॉस आ गया और नॉन स्पेकुलेशन में गेन आ गया, तो क्या ये आपस में एडजस्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर स्पेकुलेशन में गेन आ गया और नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ गया, तो क्या ये आपस में एडजस्ट होगा? यस सर। पाकिस्तान सोर्स इनकम में लॉस आ गया? नहीं। फॉरेन सोर्स इनकम में लॉस आ गया और पाकिस्तान सोर्स इनकम में गेन आ गया, तो क्या ये आपस में एडजस्ट होगा? नहीं। फॉरेन सोर्स इनकम में गेन आ गया और पाकिस्तान सोर्स इनकम में लॉस आ गया, तो क्या ये आपस में एडजस्ट होगा? यस सर। जहां पर यार वो स्टक हो जाती है। जी कर लीजिए, वो भाई नहीं है, उन्हें बुला लीजिए, उन्हें कहे कि वो यहाँ पे बैठ जाए ताकि। अरे बात दोबारा बताओ सर जी, मैंने आपको ग्रीन से जो 3 बातें लिखी हैं वो मैं दोबारा बताने लगा हूं। सर सिक्योरिटी का लॉस
अदर के गेन के साथ एडजस्ट हो जाता है, नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी का गेन अदर के लॉस के साथ एडजस्ट, स्पेकुलेशन का लॉस ट्रेडिंग के गेन के साथ एडजस्ट हो जाता है, नहीं होता, लेकिन स्पेकुलेशन का गेन ट्रेडिंग के लॉस के साथ एडजस्ट। फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के गेन के साथ एडजस्ट नहीं होता, लेकिन फॉरेन का लॉस पाकिस्तान के गेन के साथ एडजस्ट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का लॉस फॉरेन के गेन के साथ एडजस्ट। सर जी बात समझ में आ गई। सर आपको पता है जब लॉस एडजस्ट होता है तो क्या होता है? एक बंदे की इनकम फ्रॉम बिजनेस है 100 रुपए, इसके साथ लॉस एडजस्ट हो गया 5,000 रुपए, उसमें से लॉस एडजस्ट हो गया 500 का, पीछे 500 बचा और 500 पे टैक्स लगेगा। सर जी लॉस एडजस्ट करने से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और उससे टैक्स भी, ये फायदा लॉस एडजस्ट करने का टैक्स पेयर को फायदा होता है। सर जी आपको मजे की बात बताऊं, लॉसेस में यही सब कुछ ही, तकरीबन 90% बातें हमने कर ली। एक बात और मेरे जेन में आई है, वो यहां पे बता दूं। सर अगर गेन टैक्सेबल नहीं होता तो लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होता, ये बात मैंने आपको कैपिटल गेन में भी बताई। सर जी वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अब मैं वन बाय वन अंग्रेजी पढ़ता रहूंगा, देखते रहना कि भाई बात समझ में आ रही है। वन बाय वन अंग्रेजी पढ़ता रहूंगा, आपकी किताब में अंग्रेजी लिखी हुई है, किताब की तरफ हो जाए। सर स्क्रीनशॉट जरूर आपको मिलेगा, बल्कि आपकी किताब में एक टेबल बना हुआ है बड़ा चौकस, वो यही है। सर सेटिंग सेट ऑफ ऑफ लॉसेस व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ अ बिजनेस अंडर द हेड ऑफ इनकम इफ द टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन अंडर द हेड एक्सीड द टोटल अमाउंट चार्जेबल टू पर्सन अंडर दैट हेड देन द सेड पर्सन इज सेड टू हैव सस्टेन्ड अ लॉस। सर जी इनकम ज्यादा खर्चे कम गेन, इनकम कम खर्चे ज्यादा लॉस। लॉसेस के बारे में कुछ उसूल वो अपनी तरफ से बता रहा है, उसे नहीं पता कि हमें सारे उसूल आते हैं। वो पहले ये बता रहा है इफ अ पर्सन सस्टेन्स अ लॉस, अगर किसी पर्सन को लॉस हुआ है किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर भी, तो ये लॉस सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। सर लॉस किसी इनकम के साथ भी एडजस्ट हो सकता है सिवाय सैलरी इनकम के। सैलरी इनकम के साथ किसी किस्म का लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। वो कहता है अगर किसी बंदे की बिजनेस इनकम है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के साथ एडजस्ट हो सकती है, यस हो सकती है। किसी और हेड के साथ एडजस्ट हो सकती है, यस हो सकती है। सर बिजनेस लॉस किसी भी इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है, अदर सोर्स के साथ एडजस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन किसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता? उसने कहा सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। उसने कहा स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ही एडजस्ट होगा, किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, यस और नो? सर अगली बात, सर स्क्रीन एक्टिव हो गई आप लोगों की वजह से। कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर। सर आपको पता चल गया स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, कैपिटल लॉस भी किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। लॉस फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम फॉलिंग अंडर एफटीआर। सर एफटीआर के तहत जो लॉस है वो भी, सर एफटीआर के तहत जो लॉस है, नहीं एफटीआर में लॉस नहीं आता, किसी बिजनेस का लॉस किसी दूसरे गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता,
और उसने कहा कि लॉस फ्रॉम एनी अदर इनकम फॉलिंग अंडर एफटीआर, अगर एफटीआर के तहत कोई इनकम है उस पर लॉस आ जाए तो वो भी किसी गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। अभी तो सर आपने बताया था कि एफटीआर इनकम पर लॉस आ ही नहीं सकता। सर एक्सपोर्ट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो 100 रुपए की चीजें एक्सपोर्ट की, 70 रुपए का खर्चा था, 30 रुपए का गेन आ। इस केस में एक्सपोर्ट पर ऐसे कर लेते, 100 रुपए की चीजें एक्सपोर्ट की, 110 रुपए कॉस्ट थी, 10 रुपए का लॉस आ गया। क्या इस केस में सर जी मैंने जो बातें पढ़ी, मैंने जो बातें पढ़ी एक बार यहां तक आपको दोबारा दोहराने लगा। कोई स्टूडेंट ने कहा है सर आवाज करीब कर लें, वॉइस का इश्यू है सबके लिए। बात नंबर वन, अगर बिजनेस सस्टेन करता है लॉस तो ये लॉस किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है सिवाय सेल। दूसरे नंबर पर उसने कहा कोई भी लॉस हो, कोई भी लॉस हो इनकम के किसी भी हेड में, वो सैलरी के अलावा किसी और हेड के साथ एडजस्ट कर हो सकता है सिवाय, पहली बात, बिजनेस लॉस जैसे अदर सोर्स के साथ एडजस्ट हो सकता है, यस। दूसरी बात, इसकी एक्सेप्शन कौन से लॉस एडजस्ट नहीं हो सकते? सर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, लॉस फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम फॉलिंग अंडर एफटीआर एडजस्ट नहीं हो सकता। लॉस इन केस वेयर द इनकम वुड हैव बीन एन एग्जेम्प्ट इनकम, लॉस अगर इनकम एग्जेम्प्ट हो तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता, ये तो आपको बता ही चुके हैं। अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होगा। आपने पूछा सर एफटीआर के तहत लॉस कैसे आएगा, मैंने बताया आपने एक्सपोर्ट की, असल में लॉस आ गया लेकिन टैक्स वाले इस अमाउंट पर टैक्स लगा देंगे। आया एफटीआर के अगेंस्ट लॉस है लेकिन वो लॉस किसी गेन के साथ एडजस्ट नहीं होगा, पहली तो ये बात है। और दूसरे नंबर पे टैक्स वाले तो रेवेन्यू पर ही टैक्स लगा देते हैं, वो तो नीचे देखते ही नहीं कि लॉस था या नहीं था। ये इसकी सर डिस्कशन है। सर नो लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द बिजनेस एंड कैपिटल गेन, सर कोई लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता सिवाय इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन की। जरा गौर तो करें नक्शे पर, मैं जरा आपके सामने नक्शा लाऊं तो आप देखें। सर जी गौर तो करें कहां कहां कैरिड फॉरवर्ड हुआ है, कैपिटल गेन और बिजनेस में कैरिड फॉरवर्ड हुआ है, इसके अलावा तो कहीं पर कैरिड फॉरवर्ड हुआ ही नहीं है। यस यस फॉरन है ना, वो तो एक लहदा वहां पर इस वक्त इसकी बात करें। नो लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन शैल बी कैरिड फॉरवर्ड इफ अ पर्सन सस्टेन्स लॉस अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस इन एडिशन टू लॉस अंडर एनी अदर हेड द लॉस अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी सेट ऑफ। सर अगर किसी भी हेड में लॉस आए तो सबसे लास्ट में इसको एडजस्ट करना, किसी भी हेड ऑफ इनकम में लॉस आए तो सबसे लास्ट में बिजनेस को एडजस्ट करना। कैरिड फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस, सर जी कैपिटल लॉसेस की बात करने लगे हैं। चार पॉइंट है चारों काम के और यही बात स्पेकुलेशन में भी लिखी, लेकिन पहले कैपिटल लॉस पढ़ा रहा हूं। कैपिटल लॉस सस्टेन्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, सर कैपिटल लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं। Amount of capital loss which cannot set off shall be carried forward up to
6 years सर, कैपिटल लॉस की जो अमाउंट है जो सेट ऑफ नहीं हो सकती वो क्या हो जाएगी, कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगी। कितने अरसे के लिए? इन सब्सिक्वेंट इयर्स कैपिटल लॉस कैन सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली। सर कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, और अगर कैपिटल लॉस एडजस्ट ना हो पाया तो वो क्या हो जाएगा? कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा सर, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, अगर एडजस्ट ना हो पाया तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। अगर कैपिटल लॉसेस आपने 2014 में भी कैपिटल लॉस था 50 रुपए का, 2015 में भी कैपिटल लॉस था 100 रुपए का, 2016 में भी कैपिटल लॉस था 150 रुपए का, 2017 में आ गया गेन 80 रुपए का, तो ये किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा? सबसे पुराने के अगेंस्ट पहले एडजस्ट होगा और बकिया इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। यानी जो पुराना लॉस होता है वो पहले एडजस्ट होता है, जो नया लॉस होता है वो बाद में एडजस्ट होता है। सर अगर ये चारों बातें आपकी समझ में आ गई तो बिल्कुल चूके। मैंने आपको बड़ी देर पहले कहा था कि सर ये बहन भाई है कैपिटल लॉस और स्पेकुलेशन लॉस, यहाँ पर भी वही बात है। जरा जुमले देखिएगा, थोड़ा सा बस बिजनेस का ही फर्क है, बाकी सब कुछ वही है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस, वो कहता है अगर किसी बंदे ने लॉस किया है स्पेकुलेशन बिजनेस में तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, किसी और के साथ एडजस्ट नहीं होगा। अगर लॉस सेट ऑफ नहीं हो सका तो लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, कितने अरसे के लिए? 6 साल के। सब्सिक्वेंट ईयर में अगर लॉस हो गया तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के साथ ही एडजस्ट होगा। और छठी चौथी बात, अगर एक से ज्यादा साल का लॉस है तो पहले कौन सा एडजस्ट होगा? पुराना एडजस्ट होगा। भैया ये सारी बातें तो आई हैं, यस और नो? और सर आज की हमारी आखिरी बात, कैरिड फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस, इफ बिजनेस लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड स्पेकुलेशन लॉस सस्टेन्ड इन अ टैक्स ईयर कैन नॉट बी फुली सेट ऑफ इन दैट ईयर विद इनकम अंडर एनी अदर हेड, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। अगर बिजनेस लॉस था, डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन और स्पेकुलेशन लॉस के अलावा, और वो सेट ऑफ नहीं हो सका तो वो क्या हो जाएगा? अगले सालों पे कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। जी भाई, अगर लॉस एडजस्ट नहीं हो सका तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। सब्सिक्वेंट इयर्स में अगले सालों में बिजनेस का लॉस बिजनेस के गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। बड़ी काम की बात यहाँ पे उसने आपको बताई है, कैरिड फॉरवर्ड लॉस अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होता है, किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस अदर सोर्स के साथ एडजस्ट हो जाता है, यस और नो? होता है, लेकिन कैरिड फॉरवर्ड लॉस सिर्फ अपने हेड के साथ ही एडजस्ट होता है, किसी और के साथ एडजस्ट नहीं होता। सर कितने अरसे तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं? 6 साल के लिए कर सकते। एग्जाम्पलें टका गए यार, एग्जाम्पलें वादू, सिर्फ ये दो तीन लाइनें करा दूं उसके बाद एग्जाम्पल ही करानी है। आप किस चीज की एग्जाम्पल पूछ रहे हैं? मैं जरूर दे देता हूँ एग्जाम्पल, मैं बस ये तीन चार बातें बता दूं उसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ। द लॉस कैरिड फॉरवर्ड कितने अरसे के लिए होगा? 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। होटल इंडस्ट्री के बारे में उसने राय दे दी कि वो लॉस 8 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। और अगर किसी बंदे को बिजनेस लॉस आ गया है ऑफ मोर देन वन टैक्स ईयर, लॉसेस ऑफ अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो आपको पहले भी पता है कि पहले पुराने साल का लॉस एडजस्ट होता है। पता नहीं इन्होंने कोई अपने मोबाइल में कुछ देखा, ये मेरे तो देख के सी आई। हेलो।
देखिए यार, जी भाई जुम्मा भी है सर, ये थ्योरी रहने दें और वो टेबल करा दें सिर्फ। अच्छा जी, 8 ईयर का क्या सीन है सर? होटल का बिजनेस हो तो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रोका है आपको, एक कैरेट फॉरवर्ड वाली मिसाल बताने लगा हूँ, फिर उसके बाद खत्म, फिर उसके बाद बाकी बाद में बताऊंगा। यार ये देखो जरा, 2009 में देखना भाई, ये देख लो, 2009 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी 2 लाख और इनकम फ्रॉम बिजनेस था 4 लाख, क्या ये आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? अरे बिजनेस का लॉस, यस एडजस्ट। याद रखना, जहां पे बिजनेस लिखा हो अंडरस्टूड है कि ट्रेडिंग बिजनेस है, और जहां पे लॉस लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि कैपिटल लॉस है, सिक्योरिटी का लॉस नहीं है। सिक्योरिटी के लॉस को वो अलहदा से लिखता है, स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा से लिखता है, ठीक है सर? ये आपस में एडजस्ट हो सकता है। कैरेट फॉरवर्ड क्या आ जाएगा? 2 लाख का लॉस किस हेड में? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। सर अगले साल क्या आ गया? अगले साल 50,000 का गेन आ गया ना, तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा सर। 1.5 लाख रुपया ये रह गया सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गेन है, क्या ये एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। कैरिड फॉरवर्ड लॉस जो है वो अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होता है। समझ आ रही है? ये बात आपको समझानी थी। दूसरी बात, 2009 का लॉस है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, 7वें साल के गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकेगा। सर पहले साल में देख लो, 1.5 लाख का लॉस आया, दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड कितना था? 1,30,000। तीसरे साल में कितना था? 1 लाख। चौथे साल में कितना था? 90,000। पांचवें साल में कितना था? 75,000। छठे साल में कितना था? 65,000। सर यहां पर ये लॉस डेड हो जाएगा, डेड लॉस। क्यों? कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अब ये मजीद कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों सर? ये एक्सपायर हो गया, ये फौत हो गया, ये खत्म हो गया, ये जाया हो गया। जी भाई, होटल का होता तो 8 साल तक के लिए करते, होटल का होता तो 8 साल तक के लिए करते। सर जी मैंने आपको एक की पॉइंट जान के नहीं अभी करवाया, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का की पॉइंट है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराया कि वो अहम है, ऐसा ना हो कि वो आपकी जल्दबाजी की नजर हो जाए। चूंकि ये वाला, ये मैंने छोटा सा एरिया छोड़ दिया, ये कल कराऊंगा। फिजिकल क्लास हुई तो फिजिकल, ऑनलाइन हुई तो ऑनलाइन। अब बकर कैंपस वालों को मैं पहले बता दूं कि उनकी कंफर्म है कि ऑनलाइन ही होगी, इसी टाइम पे 1:45 से 1:45 या 4:30 से 4:45 से 6, जो उनको सूट करे। और आप लोगों के लिए भी दोनों क्लासेस के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे शेरशाह वालों, जो क्लास आपको सूट करे। फिजिकल, जो फिजिकल में नोट है वो आना चाहे, शेरशाह कैंपस में आ सकते हैं। नहीं जनाब, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू जी। भैया मुझे नहीं पता, और जो सवाल पूछे ऑनलाइन वालों ने, जिन ऑनलाइन वालों ने सवाल पूछे वो वेट कर लें, बाकी जो जाना चाहे वो जा सकता है। कराऊंगा, बस अभी नहीं बताया, बाद में बता दूंगा। हाँ, आर्ट रिलेटेड आइटम जो है वो तो उसका तो लॉस होता ही नहीं ना, ना ही लॉस होता है, ना कैरी फॉरवर्ड होता है, ना वो होता है, वो तो नहीं होता, वो लेता है। सर जी अच्छा, अफशाल ने सवाल किया कि सर काइंडली बता दें कि सारे को क्रैम करना है या बस आपने जो टेबल बनाया है वो याद करना है। सर टेबल को, टेबल कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी आपने क्रैम करना है। सर मिर्स के खत्म है तो टाइम पर नहीं होगी, मिर्स तो खत्म हो गए। सर जी सैटरडे को असल में गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी का इशू था, इसलिए हम नहीं कर सके, वरना मंडे से तो कंफर्म है कि टाइम पर ही होगी।
और फिजिकली होगी सर, 3/4 या 5 पांचवें साल को नया लॉस आ जाए फिर। अच्छा पांचवें साल को नया लॉस आ जाए तो वो उसका पहला साल होगा और वो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। मुशारिफ होटल बिजनेस के लिए 8 साल का रूल है। एक चीज बस थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, मैंने उसकी बात नहीं आपसे डिस्कस की आर्ट रिलेटेड आइटम की, और आपको पता है आर्ट रिलेटेड आइटम में लॉस नहीं आता, अगर लॉस आए तो वो एडजस्टेबल नहीं होता ना ही कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक हो गया, आर्ट रिलेटेड आइटम का ये सीन होता है। मंडे को बकर कैंपस में भी फिजिकल, बिल्कुल मंडे को तो रेगुलर क्लास होगी ना। एफटीआर वाला पॉइंट ही, एफटीआर में लॉस जो है वो अगर आ जाए तो वो एडजस्टेबल नहीं होता, अव्वल तो आता ही नहीं। जी भाई और कोई सवाल? फिर से आपके सवाल का जवाब दीजिए, खान साहब आपके सवाल का भी जवाब दे दिया। जो कल न्यूमेरिकल है हर ट्रांजैक्शन को मार्क होते हैं, हर ट्रांजैक्शंस के मार्क होते हैं। यस शर्मी ने कहा सर जी नेक्स्ट टेस्ट में अब आप पिछले भी चैप्टर्स इंक्लूड करके स्टार्ट करें एक एक, वो सही से प्रिपेयर नहीं थे पहले तो अब यूं वो हमारे अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है जनाब, ये इंशाल्लाह क्लास में भी आपके साथ ये चीजें डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन जनाब आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।